सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के टॉपिक से, दैट इज़ हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइफ। अपन ने अभी तक देखा कि किस तरह से ये ट्राइबल लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ लोग एनिमल हर्ड करते थे, कुछ लोग सेटल कल्टिवेशन करते थे, कुछ लोग जूम कल्टिवेशन करते थे, पर किस तरह से ये कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल ने अपने ये ट्राइब लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, उसकी बात करें। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देयर फेट वर ट्राइड टू चेंज वाया क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लॉज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट वट हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल राइट्स। ऐसा बोल रहे हैं उनके लाइफ पे ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। मोर ओवर बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज लाए गए जिन्होंने ये जो ट्राइबल ग्रुप है उसकी लाइफ को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट किया। सबसे पहले देखते हैं ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ। अभी ट्राइबल चीफ्स क्या थे, ये ट्राइबल चीफ्स है ना काइंड ऑफ लैंड ओनर्स ही थे। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थी, वो लोग रेंट वेंट कलेक्ट करते थे, वो लोग सारी चीज़ें। जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी पावर और अथोराइजेशन बहुत कम हो गई। आज भी वो लोग लैंड हैंडल करते थे पर तो भी इतनी अथोराइजेशन उनके पास नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स के आने के पहले थी। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। Before the arrival of British, tribal chiefs enjoyed economic power and had a right to administer and control their territories. क्या करते ब्रिटिश, ये जो चीफ लोग हैं ना एक टेरिटरी एक एरिया पे अपना कब्जा कर देते, उसको अपन को वो खुद को क्या बुलाते, चीफ बुलाते। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये जो चीफ लोग हैं इसका इस एरिया पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करता था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ऐसा बोल रहे हैं कहीं कहीं जगहों पे उनकी खुद की पुलिस हुई करता हुआ करती थी और वो लोग उस एरिया के लॉज और जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड रेगुलेशंस है वो लोग खुद से डिसाइड करते थे। और अगर वो कोई नहीं मानता था तो वो अपनी पुलिस को बोलते थे कि भाई इसके अगेंस्ट एक्शन लो। अंडर ब्रिटिश रूल ये जो फंक्शंस है ट्राइबल चीफ के बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। उनको उनके लैंड के ऊपर राइट रखने का अधिकार दिया गया पर उनके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन राइट मतलब वो लोग लॉज नहीं बना सकते थे। वो लोग कोई भी चीज़ है ना अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते थे। लॉज बनाने का पूरा राइट किसके पास चला गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास चला गया। आगे देखते हैं रूल्स मेड बाय ब्रिटिश टुक ओवर एंटाइटलमेंट एंड पावर टू एडमिनिस्टर द फॉरेस्ट एरिया। ऐसा बोल रहे हैं रूल्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाए उन्होंने है ना सारे के सारे फॉरेस्ट एरिया पे जो पावर थे जो पहले चीफ्स के पास थे वो पूरे के पूरे अब अपने हाथ में ले लिए। नया लॉ बनाया उन्होंने कि अब ऐसा लॉ बना जिसमें जो पावर जो पहले फॉरेस्ट की थी वो पहले चीफ के पास थी, बट वो लॉ नया लॉ के बाद वो पूरी की पूरी पावर किसके पास चली गई, ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास चली गई। आगे देखते हैं दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड earlier enjoyed among the people। ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों की जो ये चीफ लोग हैं उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटी खो दी जो उनके पास पहले हुआ करती थी और अब ट्रेडिशनल वे में काम नहीं हुआ होता था, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बोलते थे उस तरह से काम किया जाता था। ये अपन ने देखा कि चीफ्स के साथ क्या हुआ किसके आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद। अब अपन नेक्स्ट में देख रहे हैं व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा जाके जो कल्टीवेशन करते थे उन लोगों के साथ क्या हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद। चलो देखते हैं। द ब्रिटिशर्स ये ब्रिटिशर्स है ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। वो लोग बोलते थे यार लोग इधर उधर से जाके कल्टीवेशन करते हैं, हम लोगों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ब्रिटिश को है ना रेगुलर इनकम चाहिए थी और रेगुलर इनकम अपन को कैसे मिलेगी यार, एक एरिया पे अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो अपन हर मंथ उसके पास जाएंगे उसको पूछेंगे तूने कितना क्रॉप ग्रो किया और उसके ऊपर उतना उससे टैक्स लेके आएंगे। पर अगर ये पर्सन हर अलग अलग जगहों पे जाएगा तो हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीफ्स होंगे तो अलग अलग चीफ्स में अलग अलग वही बंदा अलग अलग चीफ को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और उनको रेगुलर इनकम नहीं मिल पा रही थी। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था किसके पास क्या प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिशर्स ने एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया जहां पे वो लोग क्या करते थे लैंड को मेजर करते थे, किसका क्या राइट है वो फिक्स करते थे उस लैंड पे और ताकि उन लोगों को एक फिक्स रेवेन्यू मिल पाए। कुछ पीसेंट्स को वो लैंड का ओनर बना दिया गया था और कुछ पीसेंट्स को वहाँ का टेनेंट मतलब किराएदार बना दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि ये जूम कल्टीवेटर्स को है ना एक जगह सेटल कर पाए, पर जूम कल्टीवेटर्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे इस तरह के लाइफस्टाइल से। उनकी इनकम भी कम हो गई थी, क्यों, क्योंकि उन लोगों को ऐसी लैंड एलोकेट की गई थी जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। अब अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो लोग बेच भी नहीं पाएंगे। मोर ओवर जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे, रेंट भी कलेक्ट करते थे, तो उस वजह से उनकी इनकम बहुत कम हो गई थी। तो ये जो कल्टीवेटर्स है ना उन्होंने बोला कि यार
हम लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिशर्स को है ना मानना पड़ा कि ठीक है कहीं कहीं एरियाओं में उन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउ किया, पर अब उस टाइम पे भी उन लोगों ने सारी जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहीं कहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रिस्ट्रिक्टेड रखा और बोला कि इस एरिया में आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो पर इन एरियाओं में आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इस तरह से अपन ने देखा कि ट्राइबल को क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या हुआ। अब अपन देखते हैं किस तरह से फॉरेस्ट लॉस को चेंज किया गया और उसका इम्पैक्ट हमारे ट्राइबल ग्रुप्स को क्या क्या हुआ। तो देखो द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप वर डायरेक्टली कनेक्टेड फॉरेस्ट, भाई किसी भी जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनकी जो लाइफ है वो किससे कनेक्टेड होती है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड होती है। ब्रिटिशर्स ने सारे फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, स्टेट मतलब कि पूरी की पूरी अब जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं। उन्होंने कुछ एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन आके अपना काम नहीं कर सकता, वो फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के जो मेन पर्पस है उनके लिए यूज़ किया जाता। ब्रिटिशर्स ने ऐसे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया था जहां से उनको ऐसा लकड़ा मिल सके, ऐसा वुड मिल सके जो उन लोगों के काम का हो। तो हुआ क्या, रिजर्व फॉरेस्ट में ना पीपल को है ना आने की और जाने की अलाउड नहीं थी, वो लोग जूम कल्टीवेशन भी वहां पे नहीं कर सकते थे। पर है ना हुआ क्या, ब्रिटिशर्स है ना इनको इतनी ईजिली है ना रोक नहीं पा रहे थे, ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जो लोग जो ये फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने ये रिजर्व एरिया बना तो दिए, लोगों को रोकने की कोशिश भी कर ली, पर अब ये रिजर्व एरिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए कुछ लोग तो चाहिएंगे। तो ब्रिटिशर्स को एक आइडिया आया, ब्रिटिशर्स ने ये जूम कल्टीवेटर जिनको प्रॉब्लम हो रही थी इस रिजर्व एरिया से उनको क्या बोला, एक काम करो ये रिजर्व एरिया में तुम लोग जा आ सकते हो, तुम लोग यहाँ से टिम्बर भी ले सकते हो मतलब वुड भी ले सकते हो, पर एक कंडीशन है, तुम लोगों को इसका कुछ ही एरिया मिलेगा, बच्चे कुछ ही एरिया का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो छोटा एरिया तुम्हारा है तुम वहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ किया, पर क्या कंडीशन पे, कि तुम फॉरेस्ट का क्या करोगे, ध्यान रखोगे। देखो इन रिजर्व फॉरेस्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट दे फेस अ प्रॉब्लम। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट लेबर टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे एंड टू ट्रांसपोर्ट, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर आप लोगों को फॉरेस्ट के अंदर नहीं आने देंगे तो आपको वुड काट के कौन देगा, वुड अगर नहीं काट पाओगे तो आप रेलवेज बनाओगे कैसे। तो ये जो हमारा कॉलोनियल गवर्नमेंट है मतलब हमारे जो ब्रिटिशर्स है वो एक सोल्यूशन के साथ आए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जूम कल्टीवेटर को एक छोटी सी पैच ऑफ लैंड दे देंगे फॉरेस्ट के अंदर, वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, पर क्या कंडीशन पे, कि वो लोग है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब भी ज़रूरत होगी उनके लिए काम करेंगे और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको जब भी वुड की ज़रूरत होगी वो काट के वो लोग रेलवे तक पहुँचाएंगे और रेलवे बनाने में हेल्प करवाएंगे। ये लॉ ने बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स की लाइफ को इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, जैसे कि संगम हुआ 1906 आसाम में, फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा रेबिलियंस हुए मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, पर इसके बावजूद भी फॉरेस्ट के जो लॉज है इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए। हाँ कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन उनको हटाने पड़े क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बोलते ना इंडिया में शांति बनाने के लिए उन लोगों को कुछ प्रोविजंस को हटाना पड़ा। अपन ने तीन चीज़ें देखी, किस तरह से ट्राइबल चीफ की लाइफ इफेक्ट हुई, किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ इफेक्ट हुई, और किस तरह से फॉरेस्ट लॉ में चेंजेस लाने से हमारे ट्राइबल ग्रुप की लाइफ इफेक्ट हुई। अब आते हैं कि ट्रेड के साथ क्या दिक्कत हुई, जो ट्रेडर्स थे जो आते जाके अपना बिजनेस करते थे, बेचने और खरीदने से अपना बिजनेस करते थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। ड्यूरिंग 19th century ट्राइबल ग्रुप फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर वर कमिंग इन टू फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग कैश लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर द वेजेस, दिस लीड द ट्रैपिंग ऑफ ट्राइबल्स इन द विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट एंड इंक्रीजिंग द मिजरी ऑफ देयर लाइफ। क्या हुआ, 19th century में ट्राइबल्स ने देखा कि है ना जो ये ट्रेडर्स लोग हैं और मनी लेंडर्स हैं वो लोग फॉरेस्ट में आ रहे हैं, फॉरेस्ट में आके ये जो ट्राइबल लोग हैं ना उनको बोल रहे हैं कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ तुम उसके बदले में मेरे लिए काम करो। तो हुआ क्या, उन लोगों को एक बार लगा अच्छा चलो पैसा मिल रहा है काम करो काम करो, बट वो पैसा उनको वापस रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, वो एक तरह का लोन था। तो हुआ क्या, ये जो ट्राइबल्स है ये पैसों के लालच में फंस गए और वो लोग क्या हो गए, कर्जे में डूबने लग गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप। इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट ड्यूरिंग 18th century, इंडियन सिल्क जो था बहुत ज्यादा फेमस था यूरोपियन मार्केट में। द संथलाज ऑफ
जो संथलास थे हजीर बाग के, वो कुकूंस को है ना रेयर करते थे, मतलब वहाँ पे वो उगाते थे। तो ट्रेडर क्या करते थे, अपने एजेंट को वहाँ पे भेजते थे, वो ट्राइबल लोगों को लोन देते थे और बोलते थे कि हमारे लिए कुकून ग्रो करो, हम तुमको लोन देंगे और तुम लोगों को जितना ग्रो करना है ग्रो करो। द कोकोनट्स वर एक्सपोर्टेड टू बुरबन और गया टू सोल एट 5 times द प्राइस। ऐसा बोल रहे हैं वो लोग है ना, उनसे है ना बहुत सस्ते में कुकूंस खरीदते थे। यहाँ पे कुकूंस आएगा, वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा सस्ते में कुकूंस खरीदते थे 2-3 रुपये में, और उनको है ना इंटू 5 times करके वो लोग मार्केट में बेचते थे। डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन बाय ट्राइबल एंड वर टेकन ओवर बाय ट्रेडर एट लेसर प्राइस एंड वर सोल्ड इन द मार्केट एट द हायर प्राइस। दिस लेफ्ट द ट्राइबल्स फॉर लिटिल टू सर्वाइव। इस तरह से है ना जो ट्रेडर्स है ना, उन लोगों ने भी लाइफ है ना ये लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी ट्राइबल्स की, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उनको लोन दे के उनसे ग्रो करवाते थे चीज़ें, और उनसे बहुत सस्ते में खरीदते थे और बहुत महंगे में बाहर बेचते थे। अब यार इतने सस्ते में आप खरीदोगे, उनको आपका लोन भी रीपे करना है, उनको खुद की फैमिली को भी सर्वाइव करना है, तो किस तरह से पॉसिबल होगा। तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडर का पूरा होल सिस्टम। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर फिनिश होगा, जहाँ पे अपन देखेंगे किस तरह से ट्राइबल लोग तंग होके काम ढूंढने निकले, किस तरह से फिर एक दो और बहुत सारे ना लड़ाई झगड़े हुए, और उसके बाद अपन देखेंगे किस तरह से बिरसा मुंडा का अपन को पूरा एक बड़ा पैराग्राफ देखना है। उसमें देखना है बिरसा मुंडा ने किस तरह से ट्राइबल की लाइफ को ईज करने के लिए बहुत सारे रिवॉल्व किए और किस तरह से उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स।